पाली राजस्थान से चंपालाल बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए चंपालाल। सर आपसे तो एक 5-2 मिनट सर आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे बात कीजिए जरा। बोलिए। सर बात यह है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जी और मैंने आपसे पहले भी बात की है। आपने लोकसभा सांसद में क्षेत्र में हमारा मुद्दा उठाया, बहुत बड़ी आपने कामयाबी हासिल की, धन्यवाद है। हम तो आपको राजस्थान की ओर से एक ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं, मगर हम लोगों को जरा, बुजुर्ग लोगों को जरा निजात दिलाने का काम कीजिए। कैसे ठीक है। करेंगे ये बताइए। अभी लिक्विडेटर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या प्रोसेस चल रहा है? आप दिल्ली में हैं तो ये इस विषय पर मुझे बताइए सर, किस प्रकार से काम होगा? वो तो मैंने तो वहां आपका विषय रखा है, वहां सरकार। मेरे आपने विषय रखा, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, मगर आप अकेले एक व्यक्ति सांसद होकर विषय रखने से काम कैसे बनेगा सर? स्पीकर महोदय जी ने उस पर तो कोई निर्णय दिया ही नहीं है। वो मैं स्पीकर साहब से पूछूंगा जी साहब, लोग ये पूछ रहे हैं आपसे। तो सर या तो आप गृह मंत्री जी से या प्रधानमंत्री मोदी जी से आप विनती करके लोगों को निजात देना है ना। इसके अंदर सर क्या बहुत आपके ही संसदीय क्षेत्र से कई बुजुर्ग लोगों के पैसे हैं, रिटायर लोगों के ही पैसे, आप ये समझ के चलो सर। किसी इसीलिए तो आवाज उठाई मैंने बात। हाँ तो सर कब तक होएगा सर? आज कितने 30 महीनों से हम लोग प्रताड़ित है इस विषय पर। ये विषय मेरा नहीं है कितने महीने से हो रहे, मेरा फर्ज ये है कि आपकी बात में वहाँ पहुँचा। मेरे आपका नहीं, आपने हमारी बात पहुँचाई, बहुत बड़ी धन्यवाद है। फर्ज है मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हमें आपसे ये आग्रह है कि भाई हम आपके राजस्थान के देश के जनता के आप ही के सब नुमाइंदे हैं और आप हमारे प्रतिनिधि है, तो कम से कम हमारे लिए कुछ तो कीजिए। आप हमारे माई बाप है तो आप तो हम माई बाप नहीं हूँ मैं तो, नहीं नहीं क्यों नहीं है सर, आप हमारे सेवक हैं, क्यों नहीं है आप राजस्थान? हाँ तो माई बाप की तरह ही हुआ ना सेवक तो सर। माई बाप नहीं होता। नहीं नहीं सर ये बात बात कही, क्योंकि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हमने आपको चुन के भेजा है। हाँ तो मैं कर रहा हूँ सर। हाँ तो जरा करवाइए जल्दी क्या सर, बहुत दुखी है लोग, पैसा मिलने की उम्मीद है कि नहीं है सर, ये तो बताइए मुझे। नहीं उम्मीद है तभी तो हम इतना बात रख रहे हैं, बाकी तो हम क्यों बात कर रहे। नहीं नहीं बहुत महीनों से हम लोग तड़प रहे हैं सर, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो इतना दे सकता हूँ कि प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं मेरा जो फर्ज है वो निभा रहा हूँ। नहीं तो फिर आप एक सेंट्रल अध्यक्ष विवेक अग्रवाल जी से भी जरा हस्तक्षेप की करके बात कीजिए ना भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं सरकारी विभागों में आपको कैसे बताऊं कि मैंने शायद उनसे बात कर ली है, और कृषि मंत्री से बात कर ली है, उससे बात कर ली है, अब हर चीज का तो मैं कोई रिकॉर्डिंग डाल नहीं सकता ना। नहीं नहीं वो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मगर सर हमारे लिए करेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने विवेक अग्रवाल से भी बात कर ली है, कृषि मंत्री महोदय से भी बात कर ली है, और गृह मंत्री जी से भी बात हो। हाँ तो जरा जल्द से जल्द करवाइए हमारे सब बुजुर्ग भाई बहनों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए सर, जरा जल्दी से जल्द करवा दीजिए। आपको इस बात का आभार, हम लोग की शुक्रगुजार रहेंगे हम आपके, आप हमारे लिए करेंगे तो। जरूर। ओके ओके सर, धन्यवाद सर। आप अभी दिल्ली में ही हैं? मैं क्षेत्र में हूँ सर। हाँ क्षेत्र में। अच्छा अच्छा दिल्ली से आ गए क्या सर? जी। अच्छा अभी आप वापस जाने वाले कि नहीं? जाऊंगा, आप बताएं, आप आदेश करें। नहीं नहीं आदेश तो क्या है कि अभी नहीं हुआ तो फिर हम आपसे वहाँ मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, और साथ में बैठ के कुछ 11 व्यक्ति लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है उसका डेलीगेशन लेकर मैं आऊंगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और वापस ट्रेनें भी सभी चालू नहीं है, क्योंकि हमको तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा ही था लॉकडाउन से पहले कि आप 1.5 महीने के बाद आना लिक्विडेटर से मिलकर, मगर उन्होंने अभी लिक्विडेटर ने भी काम नहीं किया और लॉकडाउन हो गया, इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। जरूर मिलेंगे। तो मैं जाऊंगा तो मैं आपको पहले फोन पे आपको बता दूंगा सर। ठीक है सर। ओके सर।